पहले इत्तेहाद, फिर इख्तलाफात, फिर सियासत से दस्तबरदारी, फिर रूठना और मनाना और फिर मान जाना। दोनों जमातें सियासत और इंतखाबात के लिए वो इकट्ठे होकर बैठ गए। माजी का जो बर्डन है क्राइम का एमक्यूएम के ऊपर, पॉलिटिकल वर्कर क्रिमिनल माफिया के तौर पे काम करने लगा, न इनके पास अब कोई रहनुमा रहा, न इनके पास मंजिल है, न इनके पास कोई तंजीम है। वो किससे रابطے में? फारूक सत्तार। फारूक सत्तार तो सबसे रابطوں की कोशिश में है, उससे कोई रابطے पर आमादा नहीं हो रहा। इन्होंने इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अननेचुरल था, इलॉजिकल था। आपको क्या लगता है कि इनके रास्ते अलग अलग होने की मेन वजह क्या होगी? एक दूसरे को नीचा दिखाना। तब तक एस्टेब्लिशमेंट करने से भी कोई जवाब में कोई हृदय में लाएगा? सबने देखा है, लेट्स सी कि आईएसपीआर इस पे रिस्पॉन्ड करती है नहीं करती। देखिए, सियासत में अपने मुफाद के लिए दोस्तों को दुश्मन भी बनाया गया है, अपने मुफाद के लिए दुश्मनों के साथ हाथ भी मिलाया गया है। अपनी एक बूढ़ी वालदा को घसीट कर ले आना मैं इसे अच्छा नहीं समझता। जो फारूक सत्तार की इतनी बड़ी कलाबाजियाँ, चालाकियाँ, ड्रामेबाजियाँ 31 अक्टूबर 1986 में हैदराबाद प्रेस क्लब में जो अल्ताफ हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें ताकीद किया था कि आप असला खरीदें। बच्चों की तरह रूठे रहे, दोस्त नाराज हो रहे थे, मीडिया कुछ और दिखाई नहीं रहा था। अल्ताफ के खौफ से निकाले उस शख्स का नाम है मुस्तफ़ा कमाल। में कहीं तसादुम और टकराव की कैफियत हमें नजर नहीं आई। एक मुस्बत सियासत को आगे बढ़ाएं, पाकिस्तान की सियासत को आगे बढ़ाएं। मार साहब ने कहा है कि ये मेरा मुतालबा था कि मैं पीएसएम से मुलाकात करूं। इसके लिए मार साहब ने भी ये कहा है कि मैं ये मानता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट ने कहने मैंने एमकेएम से मुलाकात की। अब इन दोनों की तरफ से मसला क्या? एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर एक नई जमात बनाई है, फारूक सत्तार ने एमकेएम पाकिस्तान बनाया।